नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। दिशा पाटनी दिनों अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न्स की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फैंस भी उन्हें लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर देखने को बेकरार हैं। हालांकि दिशा को खुद को स्क्रीन पर देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब है, मगर खुद दिशा ने इस बारे में खुलासा किया है। हाल ही में एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन के दौरान एक सवाल के जवाब में दिशा ने कहा कि उन्हें खुद को स्क्रीन पर देखने से नफरत है। उनके मुताबिक जब भी वो अपनी फिल्में देखती हैं, ज्यादातर समय वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू के दौरान दिशा से पूछा गया कि ये परसेप्शन है कि वो परफेक्ट हैं, फिर चाहे बात लुक्स की हो या किसी और चीज़ की, जब आप खुद को देखती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं, आपको कैसा लगता है? तो दिशा ने कहा कि मुझे खुद को देखना पसंद नहीं है, मैं खुद को देख नहीं सकती, और सच तो ये है कि मुझे खुद को देखने से नफरत है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मैं अपनी फिल्में देखती हूँ, आधे समय मेरी आंखें हाथों से ढकी रहती हैं। आपको बता दें कि एक विलन रिटर्न्स को मोहित सूरी ने निर्देश किया है और ये फिल्म 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें दिशा के अलावा जौरव राम, अर्जुन रामपाल, तारा सुतारिया लीड रोल में हैं। ये 2014 की फिल्म एक विलन का सीक्वल है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख मुख्य किरदारों में नजर आए थे। स्टार प्लस के शो इमली को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। शो से ज्यादा तो फहमान खान और सुंबुल तौकीर की केमिस्ट्री की चर्चा होती है। जब से गश्मीर महाजनी ने शो को अलविदा कहा है, तब से लीड के तौर पर फहमान खान ने शो में अपनी अच्छी धाक जमा ली है। ऐसे में आर्यन और इमली के बीच जो लव और हेट रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, वो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है। जब दो कलाकार और स्क्रीन शानदार केमिस्ट्री शेयर करते हैं, जो रियल लाइफ में भी उनकी डेटिंग की अफवाहें आने लगती हैं। ऐसा ही कुछ फहमान और सुंबुली के बीच हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी के जरिए इस बात को क्लियर कर दिया कि दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। सुंबुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर फरमान की परफॉर्मेंस को सराहा। सुंबुल ने लिखा कि पटाखा हुआ, मेरी जान क्या परफॉर्म किया है, आपके काम की तारीफ, आपका पागलपन पसंद है मुझे, आप पर मुझे गर्व है मेरे दोस्त। फहमान ने इसके जवाब में लिखा, अरे वाह जोस फ्रेंड, आज तारीफ पे तारीफ। अब पोस्ट के जरिए जैसे दोनों ने जोस फ्रेंड शब्द पर जोर दिया है, उसे देख ऐसा लग रहा है कि मानो अपने बारे में रिलेशनशिप को लेकर उड़ रही खबरों को वो क्लियर करना चाहती हूँ। हालांकि ये देखना मजेदार होगा कि उनके फैंस इस जोस फ्रेंड वाली बात पर कैसा रिएक्ट करते हैं। सिवी चिमड़ी को लेकर खबरें आ रही है कि शो में अब लीप आने वाला है। ऐसे में हर कोई शो में आने वाले न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तानाजी द अनसंग वॉरियर को 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 3 कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं। इस पर फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत का रिएक्शन सामने आया। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने सैफ अली खान की तारीफ करते हुए कहा कि उनके सपोर्ट के बिना ये फिल्म नहीं बन पाती। साथ ही ओम ने कहा कि फिल्म को मिला ये अवार्ड कास्ट और क्रू के हर मेंबर को मिला है। वहीं कुछ खबरों की माने तो तानाजी मेरी मेहनत का नतीजा है, ऐसा डायरेक्टर कहते हुए नजर आए हैं। फिल्म को अजय देवगन सर ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने इस फिल्म में न केवल एक्टिंग की है बल्कि इसे प्रोड्यूस करने में भी जिम्मेदारी ली। मुझे खुशी है कि 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में तानाजी को होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला। मैं अजय सर को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है, वो सच में तानाजी ही लग रहे हैं। तो ऐसे ही मसालेदार और मजेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड का अपशब्द।